नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पूर्वांचल क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता निजामाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कुमार यादव द्वारा लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र पाठक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। इस मौके पर डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी से पहले से उनका जुड़ाव था, इस कारणवश उन्होंने अपने पुराने घर को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन एक बार फिर से वह अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं और पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उनका कहना था कि वर्तमान समय में देश को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, जिस पर देश का विकास हो सके। वह हमेशा देश का विकास चाहते हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लिहाजा अब पार्टी उन्हें जो कुछ भी दिशा निर्देश देगी, उसी हिसाब से वह अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे और आने वाले चुनाव में भी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने में जो भी सहयोग हो सकेगा वह अपनी तरफ से पूरा करते रहेंगे। इस मौके पर पार्टी के लोगों द्वारा उन्हें वापस बुलाने और वापस अपने पुराने घर आने पर बधाई दी गई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।